गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि एक फर्स्ट वीडियो में इनकी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं कि कैसा ये चलाती हैं और कितना ज़बरदस्त चलाती हैं। आज मेरे साथ इनकी मदर भी बैठी हुई हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? ओके, आप भी ड्राइविंग सीखती हैं? कितने दिन हो गए सीखते हुए? ओके, अच्छा अपने स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सुमैया शेख। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? वन वीक में आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फोर गियर। आगे से लेफ्ट चलना है हम लोग को, फोर गियर में। तो इस बीच में आपने अपनी कार निकाली? जी, निकाली है। कोई दिक्कत आई? थोड़ी सी आई सर, स्लोपिंग में, वरना कोई दिक्कत। ओके, कहाँ कहाँ चलाई आपने अपनी कार? रिंग रोड और गियर डाउन करो, फर्स्ट गियर कर लो, हम लोग को लेफ्ट जाना, लेफ्ट ओपन है, धीरे धीरे जाने दो। तो दोस्तों, इनका नाम है सुमैया। अब ये देखो, हमको झूला झूला रही हैं, हमको झूला झूला, हमें अभी झूलने का मन नहीं है, ठीक है? ये जो आपने किया, क्या किया पता है? एकदम से क्लच को छोड़ दिया इस वजह से। तो दोस्तों, इनको 5 से 7 डेज हो गया और बहुत अच्छा चला रही, इन्होंने कल अपनी शिफ्ट चलाई है और इस बैच की बहुत अच्छी स्टूडेंट है। वैसे क्या कर रही हैं आप अभी? मैं स्टूडेंट हूँ, बीबीए कर रही हैं। कहाँ से? बीबीडी से। ओके, अब गियर चेंज कर लो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी ड्राइविंग से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस रीज़न पे और किस पर्पज़ पे ये वीडियो था। तो अभी हम लोग 2-वे रोड पे हैं। सिंगल रोड पे चलाना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत टफ होता है, और डबल रोड पे जो होता है बहुत आसान होता है। तो अभी आप देखेंगे, ये है 2-वे रोड, और जो सिंगल रोड होता है उसमें सामने से आने वाली गाड़ियों से खतरा रहता है, बट इसमें कोई खतरा नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है लोगों का कि सर आप बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के कार क्यों चलवाते हैं? तो समझिए ज़रा, बताओ बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के क्या कॉन्फिडेंस आता है? बिना स्लीपर के फील होता है कि आपने कितना टच कर रखा है, उसका रेशियो का आइडिया हो जाता है, और शूज़ में कभी कभी फील की वजह से रेशियो का आइडिया नहीं होता है। तो जो स्टार्टिंग में अगर कोई स्टूडेंट कार सीख रहा है तो उसको स्टार्टिंग के 3 से 4 डेज बगैर सूच के चलाना चाहिए, है ना, ताकि पैंडल का अंदाज़ा बेटर तरीके से हो जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं, इस वजह से मैं बगैर सूज बगैर स्लीपर के चलवाता हूँ। हालांकि ग्रिप जो बनती है वो सूज में ही बनती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप 4 से 5 डेज अगर इसको चला लेते हैं तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। इंजन कौन सा गियर मांग रहा है? थर्ड गियर, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड में आप चल रही हूँ, वहाँ पर टर्निंग पे आपने गियर को चेंज किया था, ठीक है? नर्वस मत हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चला रही हो आप। 5 से 4 डेज के अंदर और क्या, बच्चे की जान लोगे? जाने दो धीरे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिवाइडर रोड पे थोड़ा सा केयरफुल चलाना है, और ये बीच में से कट है, लोग आ जाते हैं अचानक। अभी आगे से हम लोग किधर चलेंगे? लेफ्ट, समता मुलक की तरफ, ठीक है, जिस रूट से आए हो। साइड से देखो, आपको हॉर्न दे रहा है, अपनी गाड़ी लेफ्ट दबा लो, क्योंकि अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? टर्निंग से 100 मीटर पहले सिग्नल देना है। अभी हम लोग को यहाँ से लेफ्ट जाना है, वहाँ पे स्लोप भी है, ठीक है? ये जो लोहिया चौराहा है, यहाँ पे हल्का सा स्लोप भी है, सामने से रोड टूटा फूटा है, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे गियर चेंज कर लो, सेकंड गियर कर लो फटाफट। गुड, सिग्नल दिया लेफ्ट का आपने, वेरी गुड। अब लेफ्ट दबा के निकाल लो, लेफ्ट ओपन है, लेफ्ट जा सकते हो आप। चलो लेफ्ट टर्न करो, गुड, वेरी गुड। पूरा लेफ्ट दबा के रखो ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को दिक्कत ना हो। जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। दोस्तों आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त चला रही है, कितना क्राउड है, कितना ट्रैफिक है, चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, फिर भी ये बहुत अच्छा चला रही हैं, और चलाना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे अगर मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा चला लेता है और अपनी कार बगैर किसी को ठोके पीटे निकाल लेता है, तो इससे खुशी की बात क्या है? आप बताइए अम्मा जी, आपको कितनी खुशी है बिटिया इतना अच्छा चला रही है? आपको उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद तो थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पहले भी ले लेती थी। अच्छा अच्छा, आपने तो परफेक्ट कर दिया। चलो, परफेक्ट तो कोई नहीं हो पाता है, लेकिन इतना ज़रूर हो गया है कि हाँ, ये अपनी कार चला सकती है, आपको अमीनाबाद टहला सकती, घुमा सकती है। अब स्पीड बढ़ा के थर्ड गियर चेंज कर लो, ठीक है? ये कि आज पहला नहीं डालना, थर्ड हो गया, जाने दो, वेरी गुड। अभी स्पीड बढ़ा के निकाल लो अपनी कार को, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो धीरे धीरे, वेरी गुड।
अगर हमको 40 प्लस चलना तो हम राइट में चलेंगे, ठीक है, अगर 40 माइनस चलना तो लेफ्ट में। लेफ्ट में इसलिए चला जाता था कि हमको कोई राइट से डिस्टर्ब ना करे। कुछ लोग स्लो चलते हैं 10-20 की स्पीड में और राइट में रख लेते हैं अपनी कार को, तो फिर वो क्या होता है, पीछे वाला बार बार आपको, क्योंकि वो तो राइट से ओवरटेक करेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है और स्पीड मेंटेन कर लो। आप थर्ड गियर में 40 तक चल सकते हो, मैक्सिमम 40। और इन सब रोडों पे चलाना बहुत आसान होता है ना, कि रोड ऐसे एक साथ में कई गाड़ियां साथ में निकल सकती हैं। साइड मिरर में ध्यान देना, अंकल जी बहुत मस्ती से चल रहे हैं, ध्यान रखना, स्कूटर है, बहुत पहुंची हुई चीज़ है, जिनके पास स्कूटर है वो बहुत पहुंची हुई चीज़ होती है, समझ रहे हैं। हाँ, राउंड अबाउट लेके फिर वापस राइट, जिस रूट से आप आई थी, जाने तो धीरे धीरे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेड लाइट हो गई है, कार को रोकना पड़ेगा आपको यहाँ पे। रेड लाइट पे कार रोकना बहुत ज़रूरी है, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। आप कार को कौन से गियर में करोगे आप? फर्स्ट गियर में, वापस बढ़ाने के लिए। थर्ड से डायरेक्ट तो फर्स्ट में आ सकते हो आप, और फर्स्ट से थर्ड में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अभी ग्रीन लाइट होगी तब चलना। गुड, बढ़ा लो, हल्का एक्सीलेटर ले लिया करो जिससे कि कार आपकी जल्दी से बढ़ जाए। वो तो मैं बगैर एक्सीलेटर के बताता हूँ कि कार बढ़ जाती है, लेकिन जब रेड लाइट वगैरह पे खड़े होते हो तो फटाफट कार को बढ़ाना होता है, तो वहाँ पे अगर आप धीरे 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 बढ़ाओगे तब तो पीछे वाला परेशान हो जाएगा, हॉर्न मारने लगेगा, है ना। अब स्पीड बढ़ाओ फटाफट, झूला मत झूलाओ, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। चलो गुड, ये निकाल लो, आपने थोड़ा सा लेफ्ट दबा के डालना चाहिए था, ऐसे जो अभी आपने किया ना, ऐसे में कई बार फोर्थ गियर लग जाता है। जाने तो घबराना नहीं, काफ़ी सारा ट्रैफिक है, लेकिन घबराना मत, लेफ्ट आओ आराम से, स्लो करो, स्पीड डाउन करो, चलो पहला गियर करो फटाफट, गाड़ी स्लो हो गई ना एकदम। हाँ, जाने दो धीरे धीरे, गुड, वेरी गुड, हल्का लेफ्ट रखो, चलने दो धीरे धीरे, जाने दो, अपना लेफ्ट ही दबा के रखो, आगे धीरे धीरे गोल चक्कर घुमा के हम लोगों को राइट जाना, सिग्नल दे दो, चलो निकालो। यहाँ पे एक ही लाइन में चलना है, ज़्यादा दाएं बाएं नहीं भागना है, क्योंकि एक साथ में देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ, राइट का सिग्नल दिया, बस धीरे धीरे अपनी राइट दबाते रहो, गाड़ी पीछे वाले को पता चल गया ना कि गाड़ी राइट जाएगी, चलो बढ़ाओ। हाँ गुड, जाओ, जाने दो, जाने दो, गुड 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 गुड, अपना राइट दबाते रहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलते रहो धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलते रहो, गुड 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 गुड, यहाँ से राइट जाना है, बहुत अच्छा चला रही हो आप, नाइस। देख रहे हो अंकल जी लठ लेके खड़े हैं सामने, अगर नहीं चलाओगे तो फिर, देख रहे हो सामने लठ लेके खड़े हैं वो, जाने दो धीरे धीरे। अब लेफ्ट का सिग्नल दो, प्लस दबा के सेकंड गियर करो, जल्दी से गियर चेंज करो, सेकंड सेकंड करो, गुड, वेरी गुड, देखा सल्टॉस वाले को, देखा कैसे हवा हवाई बना के गया है। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सामने वाला अगर लर्नर है तो थोड़ा सा उसको कोऑपरेट करें, नहीं, जाने दो धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये अपना गोमती नदी है लखनऊ की, अगर आप कभी लखनऊ आएँ तो ज़रूर इधर आएँ, बहुत घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और आगे सामने पार्क वगैरह भी बना हुआ है। गुड, अब कौन सा गियर डालोगी? अब फोर्थ डालो सीधा। हाँ गुड, वेरी गुड, बढ़ाओ स्पीड, गुड, अभी फिफ्थ भी डालना है आपको, टेंशन मत लो, जाने दो, चलो रेस कर लो, गुड, जाने दो, 60 प्लस चलना है अभी आपको, अभी इस चौराहे को क्रॉस करके फिर सीधा 60 की स्पीड से ऊपर फिफ्थ गियर डालना है। हाँ चलो बताता रहूँगा, जाने दो, घबराओ मत, काटो, गुड, वेरी गुड, सीधी कर लो, बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त कट था ये मैडम, सीधा हॉर्न मारो, यहाँ पे एकदम से गाड़ियाँ आती है, चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, स्पीड बढ़ाओ, 40 प्लस जाओ, फिर 50 गियर डालना राइट दबा के, चलो रेस करो, बीच वाली लाइन में रखना, लाइन नहीं चेंज करनी है, और बढ़ाओ स्पीड, और अब राइट वाला पैर ब्रेक लाओ, क्लच दबा के 50 गियर डालो, जल्दी से राइट जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलो चलो दरोगा जी सामने जा रहे हैं, बढ़ाओ स्पीड, इनको ओवरटेक करो, बढ़ाओ, देखो सिग्नल मैडम का लेफ्ट हो रहा है, अब पता नहीं लेफ्ट कहाँ जाएंगी, देख रहे हो, जा राइट नहीं लेकिन सिग्नल इनका है, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ और बढ़ाओ, रेस करो, दौड़ाओ, चलो 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 चलो, 60 प्लस करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, आज तो मैडम आप बहुत खुश होंगे, ले ली जाए सीधा फरिश्ता, फिर
चलो सीधा चलो, कोई नहीं, फाइनली सीख जाइए फिर बड़ा हो। मैं ड्राइविंग दिल से सिखाता हूँ, समझ रहे हैं, एकदम ये मेरा पैशन है। बढ़ाओ स्पीड, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं दोस्तों, आज 4 से 5 डेज के अंदर ये 5th गियर में कार चल रही है और 80+ चल रही है, देख रहे हैं आप। ये अब ब्रेक पे पैर रख लो, यहाँ थोड़ा सा ढलान है। हाँ गुड, वेरी गुड, क्योंकि टर्निंग है ना, ऐसे पे ब्रेक पे पैर रख लो, गाड़ी 5th गियर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्निंग कंट्रोल, एक लाइन पकड़ के चलना है, वेरी गुड। अब लेफ्ट का सिग्नल देके कार अपनी लेफ्ट लेके आ जाओ धीरे धीरे। हाँ अब गियर डाउन करो, 4th करो जल्दी से, 3rd करो, 3rd बेटा, 3rd, गुड। बस धीरे धीरे जाने लो, ये सेंटर वाला आ गया ना सामने, चलो निकालो, छोड़ो क्लच ब्रेक, गुड, स्पीड मेंटेन करो, जाने दो, और मारो, गुड। चलो निकालो, इससे आगे निकालो, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब घर के अंदर। चलो अब बहुत चला ली आज गाड़ी, है ना, गुड। अब आगे बढ़ा के थोड़ा सा अम्मा को भी दे दो चला ले। हाँ लेफ्ट में लगाओ सिग्नल, दो लेफ्ट का, गुड, सिग्नल दिया लेफ्ट वाले साइड मिरर पे, देखा आपने, बहुत ज़रूरी है देखना ताकि पीछे से जो आ रहा हो पता चल जाए। पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, गुड। अब आपने 3rd गियर में कार को रोक दिया है ना, अब आप न्यूट्रल कर लो, रोकी किसी भी गियर में जा सकती है, बढ़ाने के लिए 1st गियर ज़रूरी है। चलो फुर्ती से आओ राइट साइड में, देख के डोर खोलना, कई बार क्या होता है अचानक लोग डोर खोल देते हैं, पीछे से बाइक या जो भी आती है उसमें भिड़ जाती है। चलिए आइए अम्मा जी, हाँ आइए आइए, ठीक है आइए। बट तो दोस्तों आपने देखा सुमैया जी ने कितनी अच्छी कार चलाई, और अच्छा लगा कि वाकई में मैंने जो इनको समय दिया है और इन्होंने चीज़ों को सही से समझा और सीखा और अपनी कार चलाई। कल इन्होंने अपनी शिफ्ट निकाली, इनकी मम्मी बहुत खुश हो गई, और होना भी चाहिए क्योंकि देखो पेरेंट्स को रहता है कि बच्चे चला लेंगे, आजकल थोड़ा सा रहता है ना कि खुद आनी चाहिए, घर में चाहे जितने ड्राइवर हों लेकिन ये ज़रूरी है कि हमको खुद आना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स को ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से मेरा चैनल है, उस पर पेज बना है, और इंस्टाग्राम पे भी है, बेल्ट नहीं लगाया आपने, और बस इतना ही है। इसी तरीके से आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ तक सपोर्ट किया, आगे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, मुस्कुराते रहिए है।